डांस दीवाने सीजन 4 के फाइनलिस्ट मुकेश बादल अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। विधायक ने कहा, कांग्रेस का जनाधार बढ़ रहा है। वीरवार को देश के सेलिब्रिटी एवं डांस दीवाने सीजन 4 के फाइनलिस्ट पिंजौर निवासी मुकेश बादल अपनी बेटी सरगम बादल और अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं, जिससे कांग्रेस का और जनाधार बढ़ा है। विधानसभा कालका से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के बेटे अमनदीप चौधरी ने देश के सेलिब्रिटी एवं डांस दीवाने सीजन 4 के फाइनलिस्ट मुकेश बादल और सरगम बादल, जो देश की नंबर वन बाप बेटे की इस मशहूर जोड़ी को कांग्रेस पार्टी का पटका पहनाकर कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया। पिंजौर, कालका और पंचकुला की बेटी सरगम बादल और बेटे मुकेश बादल को पूरा शहर और स्कूल का युवा स्टूडेंट्स हर कोई जानता पहचानता है, और हो सकता है कि सेलिब्रिटी मुकेश बादल और सरगम बादल कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के साथ चुनाव प्रचार में घूमते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि सेलिब्रिटी मुकेश बादल और सरगम बादल बाप बेटे की इस मशहूर डांस दीवानों की जोड़ी की कालका और पिंजौर सहित गांव में अच्छी खासी जान पहचान है, और इससे हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी को भरपूर फायदा भी मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भाई प्रदीप चौधरी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चौधरी छठे जाति के साझे उम्मीदवार प्रदीप चौधरी। याद रखिएगा, कालका का विकास कराना है तो प्रदीप चौधरी को आपके सामने बताऊंगा जी। बादल भाई से बात हुई, ठीक है, इनका जितना जनाधार है यहाँ पे, तो हमें बहुत अच्छा लगा आज ये कांग्रेस परिवार का हिस्सा बने हैं, और हमें जो मिलेगी और ये बिटिया, ये इसकी अपनी फैन फॉलोइंग इतनी है, तो मैं इनका पार्टी में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद, इनका साथ हमारे साथ रहेगा। ये मीडिया के द्वारा यही संदेश देना चाहता हूँ कि लोकल अगर विधायक प्रदीप चौधरी जैसा MLA और रहा है, लेकिन इत्तेफाक हुआ है, ये हमारा दुर्भाग्य रहा है कालका का कि जब भी स्टेट में सरकार थी तो वो MLA थी, आज वो दिन आ गया कि नीचे भी कांग्रेस आ रही है पूरे हरियाणा में, और यहाँ से तो कांग्रेस से जीतेगी। और एज ए लोकल मैं यहाँ पर रहता हुआ, तो मेरी जनता से अपील है कि जिस तरीके से मुझे प्यार दिया था, मुझे वोट दिए थे जब मैं डांस दीवाने में था, फाइनलिस्ट आपने पहुँचाया है, उसी से ज़्यादा जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जितने भी मेरे को चाहने वाले लोग हैं, इस मीडिया को चाहने वाले लोग हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि कांग्रेस को बटन दबाकर प्रदीप चौधरी जी को विजय बनाए, कालका का विधानसभा के जाके MLA चुने, और जल्द ही एक विशाल रैली का आयोजन मेरी तरफ से मैं ये करने जाऊंगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उस रैली में मेरे जितने जुड़े हुए लोग साथ रहेंगे। को रिकॉर्ड करिए तो पहले ऑलरेडी हो चुका है, नामांकन पत्र में आप एक एग्जांपल देख चुके हैं कि जब मैं एक वीडियो देख रहा था प्रदीप चौधरी साहब की, कि वो तो एक तरफा लग ही रहा है, बाकी और मजबूती के लिए जितनी जनता, देखो आप हैं, आपने चुनना है, और इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग बाहर से आए हुए यहाँ पे दावे कर रहे हैं, तो इस दावे को झूठा कौन करेगा कि जो हमारे लोकल MLA को लोकल लोग करेंगे। तो मैं जितने भी अब कालका के विधानसभा के क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, गांव से, शहर से, पढ़े लिखे, तो प्लीज़ ये दिन सबसे इम्पोर्टेंट दिन है, ये आपका दिन आएगा 5-6 के बाद जो MLA चुनेंगे आप। तो धन्यवाद, मैं प्रदीप चौधरी, विधायक प्रदीप चौधरी जिंदाबाद, भाई प्रदीप चौधरी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सबसे पहले मैं बादल साहब का और उनकी बिटिया का, उनके स्टाफ का, उनके बच्चों का, अपनी दिल की गहराइयों से कांग्रेस पार्टी के इस अभियान, चुनावी अभियान में कांग्रेस पार्टी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कलाकार जो होता है उसकी एक अलग से फैन फॉलोइंग होती है, और इसलिए जब कलाकार लोग और उनके बच्चे, उनका स्टाफ प्रदीप चौधरी जी की विचारधारा के साथ, कांग्रेस की विचारधारा के साथ जब जुड़ते हैं, तो इससे एक तरह से बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आएगा, और इसका देख लेना, बादल साहब के आने से हमारा कंपेन और स्ट्रांग होगा, बहुत से लोग जुड़ेंगे, इनकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है। पर हम बादल साहब को यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जहाँ जहाँ भी आपकी फैन फॉलोइंग है, आप उनको सोशल मीडिया के जरिए जैसे भी आप पहुँचाएंगे, आप यहाँ हमारी पार्टी में आए हैं, अब कांग्रेस पार्टी में आपको पूरा मान और सम्मान मिलेगा।